यूनिक लगी मेरे को ये चाबी। सो मारुति फैन बॉयज बी रेडी, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्यों यही लेना चाहिए, हाई क्रॉस नहीं लेना चाहिए। तो फीचर्स भी वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। मारुति सुजुकी एज वेल एज टोयोटा की तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि इनने फीडबैक के साथ काम किया है। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। ये है मारुति सुजुकी इनविक्टो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अल्फा प्लस, और आप इसको एक तरीके से कह सकते हो ये रीबैज्ड हाई क्रॉस भी है। आज अपन देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें ऑफर करी गई है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ये है इसकी चाबी, एकदम डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। पीछे सुजुकी का लोगो दिया है ब्लू के अंदर, और ये और गाड़ियों की चाबी से अलग है। ये एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है मारुति का। गाड़ी को लॉक, ये लॉक किया तो ORVM फोल्ड हो गए, अनलॉक किया तो ORVM अनफोल्ड हो गए, और इलेक्ट्रिक टेलगेट इससे रिलीज कर सकते हो। तो ये है, काफ़ी यूनिक लगी मेरे को ये चाबी। यहाँ पे कुछ इस तरीके की नेक्स्ट वेव रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में। सुजुकी का लोगो दिया है, क्रोम स्ट्राइकिंग पैटर्न है, ये इसको काफ़ी एक बोल्ड लुकिंग बना रहा है। और इधर भी ये देखिए क्रोम की गार्निशिंग दी है जो इसको काफ़ी प्रीमियम बना दे रही है। आपको पियानो ब्लैक का एलिमेंट भी देखने के लिए मिलता है, और सामने फ्रंट में कैमरा देखने के लिए मिलता है बिकॉज गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है। नीचे एयर इनटेक का पोर्शन दिया है। अब डिफरेंस की बात अपन करें यहाँ पे, तो एडास के लिए कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है, अंतर है हाई क्रॉस के कंपैरेटिवली। और ये नॉर्मल क्वालिटी के वाइपर यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा मस्कुलर लुक्स वाला एक बोनट यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छी कैरेक्टर लाइंस वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। और हेडलाइट सेटअप जो है वो डबल बैरल दिया गया है, पूरा LED का है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट ट्रे वाली DRL देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इधर देखोगे तो ये आपके इंडिकेटर हैं। इधर हाउसिंग जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश की देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि फ्रंट पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4 देखने के लिए मिल जाते हैं सामने के लिए। और काफ़ी अच्छे लुक्स बना रहा है ये जो बम्पर है, डुअल टोन फिनिश में आता है, सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट दी गई है। साइड प्रोफाइल तो बिल्कुल ही इनोवा हाई क्रॉस की तरह ही लगेगी आपको। ये जो कलर है नेक्सा ब्लू सेलेस्टियल, एक प्रीमियम लुकिंग कार को बना देता है। और ये जो MUV है इस कलर में बहुत अच्छी लग रही है। जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो इस कलर में ज़्यादातर अपनी ऑफरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। बेहतरीन कैरेक्टर लाइंस वगैरह दिए हैं, अच्छे खासे एरोडाइनमिक्स यहाँ पे दिए हैं। क्लैडेड पोर्शन मिल जाता है व्हील आर्च से लेके पूरे साइड में, लोअर साइड सिल वगैरह में। और ये एक आर्च नहीं है, यहाँ पे फ्लैट दिया हुआ है। व्हील वेल थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है बिकॉज टायर का जो साइज है वो छोटा है। अगर थोड़ा सा आप इस पर अपग्रेड करा लेते हो तो परफेक्ट एकदम चीज़ें दिखेंगी। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से टायर थोड़े बड़े होने चाहिए थे। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ सुजुकी का लोगो दिया है ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। टायर प्रोफाइल 215/60 R17 की देखने के लिए मिल जाती है, अपोलो के टायर्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का 185mm का देखने के लिए मिल जाता है। 4755mm की लेंथ यहाँ पे मिल जाती है, और 2850mm व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। आगे वेंटिलेटेड डिस्क देखने के लिए मिलते हैं, पीछे जो है वो सॉलिड डिस्क देखने के लिए मिलते हैं, अलॉन्ग विथ ABS विथ EBD और सारे सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। बॉडी कलर ORVM दिए हैं इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ में। एक कैमरा यहाँ पे प्लेस है बिकॉज गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है। साथ ही साथ ये आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, बेसिकली पेडल लैंप है। जब अनलॉक करोगे तो ये ऑन हो जाएंगे, जब ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, और जैसे ही लॉक करोगे गाड़ी को तो ये बंद हो जाएंगे। काफ़ी सहारा देते हैं, नीचे पाथ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो गड्ढे वगैरह दिख जाते हैं, और कीड़े मकोड़े भी अगर आसपास है तो वो भी दिख जाते हैं। बी पिलर और सी पिलर है, ये पूरा मैट ब्लैक टेप के साथ देखने के लिए मिलता है। ऊपर वाला जो डोर का हिस्सा है, बेल्ट लाइन है, वो भी पूरी क्रोम की दी गई है, और पैनारोमिक सनरूफ दी गई है ऊपर की तरफ। डोर हैंडल की बात करें, डुअल टोन बॉडी कलर विथ क्रोम प्लेटिंग के साथ ये मिलता है। विंडो एरिया काफी बड़े दिए गए हैं, ग्रीन टिंटेड विंडो के ग्लास देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आते हैं, सो एक बार आप प्रोफाइल ओवरऑल देख लो, जहाँ पे इनोवा की याद आपको आएगी, बट अगेन ये रीबैज्ड वर्जन है तो एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट है, जो प्राइस भी है कम कर दी गई अल्फा प्लस वेरिएंट की बात करें।
ऊपर की तरफ देखोगे बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना दिया गया है, रूफ भी जो है बॉडी कलर ही दी है बिकॉज मोनोटोन है, ये अपने स्पॉयलर दिए गए हैं काफी अच्छे एरोडाइनमिकली डिजाइन है ये भी, और इस पे विंग स्पॉयलर भी दिए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। स्टॉप लैम्प जो है वो ट्रांसपेरेंट लेंस के साथ एलईडी वाला देखने के लिए मिलता है। विंडस्क्रीन में वॉशर वाइपर डिफॉगर सब कुछ देखने के लिए मिलता है। नेक्सा की बैजिंग दी गई है, इनविक्टो की बैजिंग दी है, सुजुकी का लोगो दिया हुआ है एंड ये सिर्फ हाइब्रिड में आती है। स्टैंड अलोन अपना गैसोलिन वाला पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्रोम में देखने के लिए आप लीक मिल जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक इसको बना रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, ये है कैमरा, चार कैमरे बिकॉज 360 डिग्री कैमरा। इसके अलावा चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे दो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पैटर्न दिया है। फुल LED टेल लाइट सेटअप देखने के लिए मिलता है और ये नेक्स्ट डे वाला जो यहाँ पे भी LED पूरा पैटर्न है वो दिया गया है। इसके साथ साथ इंडिकेटर जो है अपने बल्ब वाले हैं, रिवर्स लाइट जो है बल्ब वाली। रिक्वेस्ट सेंसर से जब टेल गेट खोल देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेल गेट देखने के लिए मिलता है जो कि एक हाइड्रोलिक बेस दिया हुआ है, पूरा अच्छा खासा ट्रिम है। एंड यहाँ पे अपना कैविटी है, ये अपना बटन है जिसको आप दबा करके इसको बंद कर सकते हो एंड लॉक फंक्शन भी है, रोकना है तो आप रोक सकते हो इसको। बूट स्पेस की बात करें तो जब सीट रेज हैं तो आपको कुछ इतना देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा दिया है। लगेज लाइट जो है वो अपना हेलोजन वाला है। इसके साथ ज़्यादातर हिस्सा जो है यहाँ पे फ्लैट ही देखने के लिए मिलता है बूट का। 239 लीटर्स का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है जब थर्ड रो की सीट रेज होती है। उठा हिस्सा दिख रहा है, ये बेसिकली बैटरी पैक दिया हुआ है, ये जैसे इनोवा में आता था उसी तरीके से। यहाँ पे ये तीसरा हेडरेस्ट लग जाता है, ये जब है आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, तो ये इस तरीके से पूरा फ्लैट फोल्ड हो जाता है। मोनोकॉक है दैट साइड और 690 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट बिकॉज इन्फ्लेटर लगाने का ऑप्शन मिलता है कुछ रखने का। यहाँ पे ये देखिए ये कप होल्डर दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी एक स्पेस दिया हुआ है। एसी के वेंट जो है वो थर्ड रो के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी कैबिन लाइट दी गई है। थर्ड रो में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं बीच वाले पैसेंजर के लिए, ये रहा। ये बेसिकली 7 सीटर है, 60-40 स्प्लिट में जो है फोल्ड हो जाती है। ये खींच लिया आपने एंड जो थर्ड हेडरेस्ट है जब 3 पैसेंजर बैठे लगा दो ऐसे। यहाँ पे जो स्पीकर थे JBL के वो हट गए, अब आप बंद करना है कर दो और इसको रोकना है, यहाँ से रोक दिया फिर दबा दो तो फिर ऊपर चला जाएगा और फिर ये इस तरीके से आप बंद कर सकते हो और ये सॉफ्ट क्लोज के साथ बंद हो गया। रिक्वेस्ट सेंसर जो है अपना ये है, चाबी रखना है और इसी तरीके से आप टच करके अनलॉक और लॉक कर सकते हो। नाउ अंदर चलते हैं। ब्लैक और शैम्पियन गोल्ड और ब्राउन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी एक सटल टाइप का कॉम्बिनेशन। चाबी अपन यहाँ रख देते हैं तो एक बार आप इंटीरियर का ओवरऑल लुक देख लो। ज़्यादा इसमें लाइट कलर का काम नहीं किया गया है और यहाँ पे ये देखिए ECVT है, ब्रेक पेडल और एक्सेलरेटर दिया है, ये फ्यूल लिड, ये अपना बोनेट। इस साइड पे देखोगे तो बीम लेवल एडजस्टमेंट और अपना टेल गेट ओपन के लिए। सीट जो है वो ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिलती है। हाइट एडजस्ट स्लाइड कर सकते हो और रिक्लाइन कर सकते हो और ये काफी अच्छे पैटर्न्स के साथ आते हैं। अगर एक बार अपन को ड्राइवर साइड देखें यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है, सीट में हाइट एडजस्टमेंट में नहीं आता को ड्राइवर साइड में। और इस तरफ भी ये देखिए रिक्वेस्ट सेंसर दिया है। डोर ट्रिम की तरफ आते हैं तो पूरा सॉफ्ट टच में दिया है, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी जो हार्ड प्लास्टिक का भी है ना वो भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। एंड मेमोरी फंक्शन दो दिए हुए हैं यहाँ पे,
इसके अलावा ये क्रोम डोर हैंडल, ORVM एडजस्टमेंट फोल्ड और अनफोल्ड के लिए। चाइल्ड लॉक फॉर विंडो यहाँ पे दिया है। सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटो डाउन विद ऑटो ऑफ फीचर मिलता है पिंच गार्ड के साथ में, चारों विंडोज में नहीं मिलता है। सारे नॉन इलिमिनेटेड पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे 6 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है, मारुति कहते हैं वो दिए गए हैं। चैंपियन गोल्ड इंसर्ट, काफी प्रीमियम लग रहा है। सीट काफी अच्छी कंफर्टेबल है, लोअर बैक सपोर्ट, लंबर सपोर्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए। अब अंदर चलते हैं अपन, तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो अपना यहाँ दिया हुआ है जिस पर पावर लिखा है। एक बार बंद करते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरीके का पूरा स्टार्टअप इंफोटेनमेंट सिस्टम का आता है। एंड ये आपका फाइनली पूरी गाड़ी ऑन हो गई। यहाँ पे आता है कि OBD ट्रैफिक रूल्स, ड्राइव सेफली वगैरह, ये इंस्ट्रक्शन है। और ये 10 इंच का है जिसमें वॉलपेपर भी आप लगा सकते हो, जिसको मारुति सुजुकी कहता है स्मार्ट प्ले मैग्नम प्लस। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह सब मिल जाता है। बड़ा साइज है जो रेगुलर गाड़ियों में मारुति के इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसके कंपैरेटिवली। ये डिफरेंट थीम्स है और होम बटन, वॉल्यूम कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, होम और वॉइस कमांड यहाँ से दे सकते हो। बैक बटन ये रहा और PWR, इसका पावर ऑफ करना है। व्यू कैमरा बटन यहाँ है, तो ये देखिए ये 360 व्यू आ गया, डिफरेंट एंगल्स हैं। टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा दिया गया है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का। नाउ सनवाइजर में ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलता है विथ इल्यूमिनेशन, एंड को ड्राइवर साइड भी सेम यहाँ पे वैनिटी मिरर विथ इल्यूमिनेशन मिलता है। ECM यानी कि इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो कैबिन लाइट है वो हेलोजन वाली ही दी गई है। मारुति सुजुकी एज वेल एज टोयोटा की तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि इनने फीडबैक के साथ काम किया है। जो सनरूफ के ब्लाइंड है ना, अगर आप अर्बन क्रूजर, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में देखोगे तो वो बहुत पतले आते थे, बट यहाँ पे वो वाली शिकायत नहीं, अच्छे थिक कर्टेंस या ब्लाइंड यहाँ पे दिए गए हैं। पूरे कैबिन लाइट के बटन्स दिए हुए हैं, SOS बटन भी यहीं पे दिया हुआ है सनरूफ के बटन से। वन टच के साथ ये आपका कर्टेन खुल गया। एंड ये वाला जो बटन है ये पैनोरामिक सनरूफ जो है आपका खोल देगा। एंड इसकी तरफ भी ये देखिए, ये LED एम्बिएंट लाइट जो होती है वो दी गई है, तो ये थोड़ा सा इसको प्रीमियम बना देता है। और जैसे ही आप बंद करोगे ना, एकदम नॉइज कैंसिल हो जाती है। विंडो वगैरह बंद है तो बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आती। इस तरफ ये देखिए माइक दिया हुआ है। डैशबोर्ड जो है वो ऊपर हार्ड प्लास्टिक का दिया हुआ है, एंड सामने जो है सॉफ्ट टच का दिया है, साथ ही साथ सिल्वर इंसर्ट दिए हुए हैं। पूरे जो AC के वेंट है उसकी सराउंडिंग में एक चैंपियन गोल्ड पैटर्न दिया हुआ है, रेस्ट ये सिल्वर फिनिश आते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के पूरे जो AC के वेंट्स दिए हुए हैं। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का ट्रेपेजियम शेप का हॉर्न ब्लॉक मिलता है, सुजुकी का लोगो दिया गया है। एयर बैग जो स्टैंडर्ड के तौर पे 6 देखने के लिए मिल जाते हैं, 1, 2। इसके अलावा अपने कर्टेन दिए हुए हैं सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल जो है वो ड्राइवर साइड पे भी दिया है इसमें, और बाकी साइड तो मिलता ही मिलता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इस साइड पे देखोगे ऑटो हेडलाइट के साथ हेडलाइट स्टॉक मिलते हैं, और रेन सेंसिंग वाइपर तो नहीं दिए गए हैं, इंटरमिनेंट मोड जो है टाइमर के साथ भी दिया हुआ है। पेडल शिफ्टर भी प्लस माइनस के साथ मिल जाते हैं बिकॉज ECVT गाड़ी में। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। माउंटेड कंट्रोल्स में इस साइड पे क्रूज कंट्रोल एज वेल एज इंफोटेनमेंट के भी कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट पैनल कंट्रोल है वो ये दिए हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, ओडोमीटर, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो।
इस तरफ जो माउंटेड कंट्रोल है उनसे इंस्ट्रूमेंट पैनल को भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हो डिफरेंट सेटिंग। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे सीलिंग लाइट को बंद चालू करना है, व्हीकल सेटिंग वगैरह। डिफरेंट मोड दिख रहे हैं, चार्ज, इकोनॉमी, PWR, पावर मोड, और इस तरफ इंजन टेम्परेचर गेज, इस तरफ फ्यूल गेज, डिजिटल स्पीडोमीटर दिया है। पूरा ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। 7 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। सिल्वर फिनिश स्टीयरिंग व्हील में हर जगह पूरे में दी हुई है। इसके अराउंड भी पियानो ब्लैक गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। इवन पूरे जो सेंटर कंसोल है पियानो ब्लैक फिनिश में है, और इधर पे पूरा शैंपियन गोल्ड पैटर्न दिया हुआ है। इस तरफ देखोगे क्रैश पैड में तो 12 वोल्ट का DC सॉकेट दिया है। क्रैश पैड में जो कैविटी दी है वहां पे एम्बिएंट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। जो ग्लव बॉक्स है वो काफी चौड़ा है, बहुत डीप भी है और चौड़ा भी है, तो आपका काफी सामान चला जाएगा इसमें। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल वाला AC देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बेसिकली आगे तो सिंगल जोन है, बट पीछे आपको अलग टेम्परेचर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए इसको डुअल जोन कहते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स के जो बटन है वो यहीं पे लोकेटेड है, और पियानो ब्लैक फिनिश में काफी प्रीमियम क्वालिटी के पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। फैन स्पीड कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज्यादा यहाँ से, पोजीशन चेंज कर सकते हो इससे, और अपना रियर का चालू कर सकते हो, और ऑटो मोड करना है तो यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और रियर के लिए जो अपना डिफॉगर रहता है वो फ्रंट के डिमिस्टर, ये रहा, और रीसर्कुलेशन बटन, AC बटन। बाकी ये जो सेंटर में डैशबोर्ड पे माउंटेड शिफ्टर लीवर है वो दिया गया है। ECVT का बेसिकली ब्रेक दबाना है, पीछे करना है, तो ये रिवर्स लग गया, और इसमें भी डिफरेंट मोड 360 है तो वो कर सकते हो। एंड न्यूट्रल यहाँ पे भी बताएगा ड्राइव, और बी क्वालिटी वाइज शिफ्टर लीवर की क्वालिटी काफी अच्छा है सिल्वर फिनिश के साथ में। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक लीवर विथ ऑटो होल्ड फीचर मिल जाता है, एंड यहाँ से ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो, ये पावर, इको और सिटी, EV मोड भी दिया है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। बाकी USB टाइप सी पोर्ट और एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है शैंपियन गोल्ड पैटर्न के साथ में। कप होल्डर दिए हैं, एम्बिएंट लाइट इन कप होल्डर्स में भी दिया गया है, और कई जगह ऐसी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी। सॉफ्ट टच और स्टिचिंग के साथ आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, आपको काफी डीप मिलेगा। इसमें सुजुकी कनेक्ट के कुछ कनेक्टेड कार फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एलेक्सा की कनेक्टिविटी है, इसके साथ साथ स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, अगर आप अल्फा प्लस जो ये वेरिएंट है स्पेशली उसकी बात करो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, और आर्म रेस्ट भी दिया गया। जो सेकेंड रो की सीट है वो ऑटोमन देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, ये लिवर है इसका। ये इतना रिक्लाइन होके लगभग फ्लैट बेड ही बन जाता है, इसको स्लाइड भी कर सकते हो, बट अगेन एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जो है वो नहीं दिया गया है, ये चीज तो अच्छी है। कप होल्डर और यूटिलिटी स्पेस के तौर पे मिल जाती है चीजें। ये भी आइसोफिक्स है, वो भी आइसोफिक्स है, तो सेफ्टी तो यहाँ पे भर भर के दी हुई। अगेन ये हुक्स वगैरह है, सीट बेल्ट को फंसा सकते हो। जो पीछे वाले ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलते, ये चीज बहुत आपको कंफर्ट देगा। अगर थर्ड रो के सीट्स की बात करें तो ये भी जो है रिक्लाइनेबल दी गई हैं, आप इनको डिफरेंट एंगल पे एडजस्ट कर सकते हो, इवन आगे अपराइट भी कर सकते हो और एकदम फोल्ड भी कर सकते हो। कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर एडल्ट भी बैठेगा या बच्चा भी बैठेगा तो बहुत कंफर्टेबल वो महसूस करने वाला है। इसका रीज़न ये है कि जो सेकेंड रो की सीट है, एक तो कैप्टन दी गई है, दूसरा वो स्लाइड भी हो जाती है और वो रिक्लाइन और फोल्ड भी हो जाती है। तो कहीं पे भी जैसे और जो गाड़ियां आती हैं 7-सीटर लाइक अपना XUV700, उनसे कहीं ज़्यादा कंफर्ट इसमें मिलेगा। स्पेशली अंडर थाई सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। सीट बैक पॉकेट ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड दोनों जगह मिलती है, सिर्फ को ड्राइवर साइड में ये हुक दिया हुआ है,
लगेज कुछ भी आप इसमें हैंग कर सकते हो। एंड ये तो USB टाइप सी पोर्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो है इन लाइट्स से कंट्रोल है। बाकी कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया है और अपना AC का वेंट, कैबिन लाइट जो कि हेलोजन वाली दी है दोनों साइड में। ये देखिए कर्टेंस दिए हुए हैं जो कि आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखेंगे। एंड सॉफ्ट टच पूरा यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में पूरा ट्रिम दिया हुआ है। एंड शैम्पियन गोल्ड यहाँ पे इंसर्ट दिए हुए हैं, बॉटल होल्डर एज वेल एज मैगजीन होल्डर एंड स्पीकर वेंट। चलिए इसके इंजन लेने चलते हैं। यहाँ पे 2 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अगर स्पेसिफिकेशन इंजन की देखें तो ये अराउंड 152 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पर अगर कंबाइन सिस्टम की बात करें जो हाइब्रिड में देखने के लिए मिलता है तो ये गाड़ी अराउंड 186 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। अगर अकेला जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है उसकी कैपेसिटी पावर की देखें तो वो अराउंड 113 PS की देखने के लिए मिलती है, 206 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है। मतलब काफी तगड़ा पावर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और टॉर्क की भी बात करें, इवन परफॉर्मेंस तगड़ी है गाड़ी की और 24 kmpl का माइलेज जो है वो क्लेम करा जा रहा है। इंसुलेशन प्लेट भी दी गई है। पूरा कंपोनेंट का आप सेटअप लेआउट देख सकते हो और बोनट बहुत भारी है, मतलब लिटरली बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की शानदार है। इस तरीके से बंद होता है। ये हाइब्रिड सिस्टम वाला जो इंजन है वो टोयोटा की तरफ से ही देखने के लिए मिलता है। प्लेटफॉर्म जो है वो टोयोटा वाला ही TNGA मिलता है, टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। 52 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। BS6 फेस 2 RDE कंप्लायंस सब कुछ मिल जाता है। E20 फ्यूल रेडी ये गाड़ी आपको मिलती है। सो मारुति फैन बॉयज बी रेडी, बिकॉज ये पॉइंट वो है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों यही लेना चाहिए, हाई क्रॉस नहीं लेना चाहिए? तो देखिए, पहली बात, मारुति सुजुकी का मोस्ट प्रीमियम लग्जरी और कंफर्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। फीचर्स भी अब तक किसी भी मारुति की गाड़ी में जो नहीं आते थे वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट ये मारुति की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। एंड अगर इसमें मारुति सुजुकी का बैज लग गया है तो आपको सर्विस इंडिया के कोने कोने में देखने के लिए मिल जाएगी। प्राइस जो पार्ट्स वगैरह की रहेगी वो कम हो जाएगी, तो मेंटेन करना भी गाड़ी को जो है इजी हो जाएगा। फीचर्स जो है बहुत ही अच्छे लगे, कंफर्ट बहुत ही तगड़ा लगा। अब इनोवा हाई क्रॉस कौन लेगा भाई? वो लेगा जिसको एडास चाहिए होगा या 18 इंच के अलॉय व्हील्स चाहिए होंगे या ऑटोमन सीट्स चाहिए होंगी या फिर अच्छे तगड़े स्पीकर्स चाहिए होंगे। ऑन रोड कीमत जो है 32,93,000 की इस गाड़ी की पहुंच जाती है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, फिट फिनिश क्वालिटी टॉप नॉच है। मारुति का जो पहले का लेवल था उससे लाख दर्जे अच्छा लेवल पे आ गया है। और अगर आप एक टोयोटा ओनर बनना चाहते हो और ये सोचते हो कि भाई हमको एक ऐसी ब्रांड वैल्यू चाहिए जिसका रुतबा ही अलग है, लाइक फॉर्च्यूनर जैसी जो गाड़ी बनाती है, और आपको वो रुतबा चाहिए, सो यू कैन गो विथ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। बाकी इस गाड़ी में भी कोई कमी नहीं है। ये तो मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट लगा मारुति सुजुकी का, लिटरली कह रहा हूँ। बाकी आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं। क्या आप इसको वही वाली चीज समझते हो कि गंगाधारी शक्तिमान है, या फिर आप भी मारुति सुजुकी के ये वाले प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हो? थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।